कुछ आम आम आदमियों के लिए नहीं होते। आज हम आपके लिए लाए हैं जापान की मियाज़ाकी आम की वैरायटी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस एक आम की कीमत है लगभग 90,000 रुपये के आसपास, यानी 2,70,000 रुपये पर केजी। ये आम संदूरी रंग का होता है और एक अंडे की तरह दिखता है, इसलिए जापान में इसको कहते हैं ताइवो नो तोमैगो। इसका मतलब सूरज का अंडा। अगर हम डिटेल में दो आमों की कीमत की बात करें तो जापानी मुद्रा में बैठता है तकरीबन 5,00,000 येन, यानी कि लगभग 3,00,000 रुपए केजी। दोस्तों, दुनिया में 13,000 आमों की किस्में पाई जाती हैं। ऐसा क्या है इस वैरायटी में जहां एक आम की वैरायटी $1 से $1.50 पर केजी के हिसाब से बिकती है, वहीं मियाज़ाकी आम कम से कम $3,000 के हिसाब से। आइए देखते हैं ये आम इतना महंगा क्यों है। पहली बात, इस पेड़ के सारे आम महंगे नहीं होते, केवल कुछ एक आम ऐसे होते हैं जिनका वजन 350 ग्राम के आसपास होता है, उसी को प्रीमियम क्वालिटी में माना जाता है। और इसका दूसरी बात, इन प्रीमियम क्वालिटी के मैंगोस को इकट्ठा किया जाता है और उनको कई क्वालिटी के टेस्ट से गुजारा जाता है, कई पैरामीटर्स हैं जिनसे उनको गुजारा जाता है, और उसमें से बहुत कम आम पास हो पाते हैं। अगर हम एक अनुमान की बात करें तो 1,000 प्रीमियम क्वालिटी के मैंगो में एक या दो मैंगोस होते हैं जो कि आपके $3,000 पर केजी के हिसाब से बिकते हैं। और फिर इन आमों को एक जोड़े के रूप में बहुत महंगे बॉक्सेस में पैक करके ऑक्शन किया जाता है, नीलाम किया जाता है, और उस नीलामी में इनका प्राइस वही $3,000 से $4,000 के करीब जाता है। और जाहिर है इसको खाने वाले लोग भी कोई आम नहीं होते। वैसे तो ये आम जापान के केवल मियाज़ाकी शहर में ही पैदा होते थे। अब खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान के कुछ किसान मियाज़ाकी आम के पौधों को हिंदुस्तान में उगाने लगे हैं। इन आमों के पौधे आपको 600 से 1000 रुपए पर सैपलिंग के हिसाब से कहीं भी मिल सकता है। ज़्यादातर ये पौधे आपको मिलेंगे झारखंड, उत्तराखंड और बिहार जैसे एरिया में, जहाँ की जलवायु और मिट्टी इसके अनुकूल होती है।